आइए आपको एक आज और कुछ ग्लासवेयर के बारे में हम बताते हैं जो मशीन के ग्लासवेयर मैक्सिमम आजकल यूज होते हैं। जैसे आपको पता है सब दिखाई दे रहा है, इसे हम फिल्ट्रेशन फ्लास्क कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क की शेप है मगर फिल्टर है। ये बीकर कहलाते हैं टॉल फॉर्म और दूसरे, और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें गोल है और ऊपर से हीटिंग या बॉइलिंग फ्लास्क भी कहते हैं। इसमें क्विक फिट सिंगल माउथ डबल माउथ आती है, और कॉनिकल फ्लास्क हैं माउथ भी आती है और सेपरेटिंग फरन ये अपना स्क्रू कैप के साथ भी आती है। राउंड बॉटम फ्लास्क हैं, बीकर हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं सेपरेटिंग फरन कहलाती हैं। इसमें ग्लास का आजकल स्टॉप कॉक कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो जनरली लीक कर जाता था, जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये बंद हो जाता है और इसमें सॉल्यूशन यहाँ से ये क्रॉस होके ऐसे जाता है। और ये इसको ओपन करने के लिए 50 ml, 125, 500, 1000, 2000 अलग अलग साइज आते हैं। इसमें ऊपर का जो है ये प्लास्टिक का स्टॉपर है और यहाँ ग्राउंडेड नहीं है, इसमें आप देखेंगे ये ग्राउंडेड है, ये देखिए ये ग्राउंड है और ये मेटल ग्लास का स्टॉपर है, ये इसमें देखिए ग्लास का स्टॉपर है और ये पियर शेप कहलाती है। इसमें ये टेफ्लॉन स्टॉपकॉक स्ट्रेट है, यहाँ ये होल है, हम इसको ऐसे जब स्ट्रेट करते हैं तब सॉल्यूशन निकलता है, फिर हम इसको बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ग्रेजुएशन के बिना भी आती है, ग्रेजुएशन वाली भी आती है। नेक्स्ट आती है सिलेंड्रिकल, ये सिलेंडर शेप की है, इसमें भी दो तीन किस्म की हैं। एक ये है जिसका मुंह नहीं बना हुआ, ऊपर कोई मुंह नहीं है, ओपन है बिल्कुल स्ट्रेट, ये मेजरिंग सिलेंडर की तरह है, और एक इसमें स्टॉपर है। इसको अगर हम जब ऐसे लैब में रखेंगे स्टैंड में फिट करके तो हम यहाँ से सॉल्यूशन पोर कर सकते हैं। ये वाली स्टॉपर के साथ आती है, इसके साथ स्टॉपर है और नीचे स्टॉप कॉक कहलाता है, ये स्टॉपर कहलाता है प्लास्टिक स्टॉपर। और नेक्स्ट इसमें 100 ml, 50 ml, 500 ml, 250 ml, 1000, 2000 जो भी साइज चाहिए मिल जाते हैं लैब के रिक्वायरमेंट में, ये 1000 ml है। ये सारी की सारी तीनों जो प्रोडक्ट चार दिखाई दे रही है पाँच आपको, ये सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए है। पहला यूज़ कि दो अलग अलग सॉल्यूशन, मान लो आप ऑयल और वाटर मिक्स कर दो तो थोड़ी देर के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, तो आप इसमें छोड़ दीजिए तो नीचे ऑयल रह जाएगा या नीचे वाटर रह जाएगा, ऊपर ऑयल रह जाएगा उसकी डेंसिटी के हिसाब से। अगर दो केमिकल सबमिसिबल हैं, कोई मिक्स नहीं होते आपस में और सेपरेट हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद आपके अलग अलग हो जाते हैं। और इसको आप नीचे से, यहाँ से मान लो यहाँ तक है नीचे का सॉल्यूशन, अब इसको निकाल लेते हैं तो ये नीचे धीरे धीरे आ जाएगा, पूरी कर में ये इजी है। और ये वाले में अगर आपने कहीं सॉल्यूशन डालना है मिक्स करने के लिए तो यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए, मगर अगर आप कोई सॉल्यूशन निकालना है, मान लो 100 ml निकालना है, 200 ml निकालना है, मेजर करके उसके लिए यूज़ करते हैं। और आप हमारी अलग से वीडियोज़ आएंगी जो बीकर फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर और पिपेट वगैरह की यूटिलिटी के ऊपर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ईमेल भेजिए हमें abron01@email.com, उसके ऊपर ये वाला देखिए ईमेल है abron01@gmail.com या info@abron, वेबसाइट दी हुई है हमारी, और चैनल सब्सक्राइब करिए हमें, आप लिखिए कुछ भी करिए। यू कैन बाय फ्रॉम अस दिस प्रोडक्ट इन बल्क और फॉर लैब्स। थैंक यू वेरी मच।